पीएम नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, वाराणसी को मिलेगी 2 करोड़ रुपए की सौगात। काशी और विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना पीएम मोदी, काशी और तमिल भाषी लोगों से करेंगे संवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा की लॉन्चिंग, पीएम मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद, कहा अब कोने कोने में जाएगी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलेगा लाभ। अठारह दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत, नाम रखा डोनेट फॉर देश, हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। राजस्थान में सोमवार या मंगलवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, आज दिल्ली जाएंगे सीएम भजन लाल शर्मा, शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात, राज्यपाल से सीएम भजन लाल ने की मुलाकात। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का 8वां संस्करण एनआरआई चौराहे से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, हजारों की संख्या में युवा रहे मौजूद। पेपर लीक घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन, प्रदेश सरकार ने एडीजी बीके सिंह के नेतृत्व में किया एसआईटी का गठन, एडीजी समेत 50 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एसआईटी में शामिल। सीएम भजन लाल शर्मा के नए ओएसडी बने आरएएस योगेश श्रीवास्तव, राजस्थान लौटते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी, आईएएस कुलदीप रांका, गौरव गोयल, आरती डोगरा और राजन निशाल का एपीओ। एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस का आतंक, केरल में कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री, 2 लोगों की वायरल से मौत। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी नेता यस यमसेन महाते की मौत, भारत म्यांमार की सीमा पर उग्रवादियों ने जंगल में मारी गोली, 2015 में बीजेपी में हुए थे शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए कमलनाथ, जीतू पटवारी को मिली कमान, तो छत्तीसगढ़ में दीपक वेज ही रहेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों राज्यों ने नेता प्रतिपक्ष का भी किया ऐलान। राजधानी दिल्ली में 60 वर्षीय महिला की प्रेमी ने की हत्या, शव को बेड बॉक्स में छिपाया, मामले में 31 साल का आरोपी गिरफ्तार। वुमेन्स क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, भारत ने इंग्लैंड को 347 रन से टेस्ट हराया, दीप्ति शर्मा ने 9 विकेट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे चाहर, फैमिली इमरजेंसी के चलते हटे, शमी 2 टेस्ट की सीरीज से बाहर। सीएम भजन लाल शर्मा के पिता की तबीयत में सुधार, एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है किशन स्वरूप शर्मा, यूरिन की दिक्कत के चलते किया गया था भर्ती। हनुमान बेनीवाल का सांसद पद से इस्तीफा, स्पीकर ओम बिरला को सौंपा इस्तीफा, खीरसर से विधायक बने हैं बेनीवाल, ऐसे में बेनीवाल ने दिया सांसद पद से इस्तीफा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जगत गुरु राष्ट्रीय संत राम भद्राचार्य से सांगानेर एयरपोर्ट पर की मुलाकात, राम भद्राचार्य को सुनाया एक भजन, कहा बीकानेर में हर जस गाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सांवलिया जी पहुंचकर किए दर्शन, मीडिया से की बातचीत, कहा बीजेपी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची दौसा जिला कलेक्ट्रेट चौराया, अलवर जाते समय दौसा में हुआ स्वागत, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, दिया कुमारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का जताया आभार। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का सीकर दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवनानी का किया स्वागत, कहा नई सरकार बनी है सबको सुशासन देगी। अजमेर में डिवाइडर से टकराकर कार में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की जलकर हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के रंगमंच में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, आज से विकसित भारत यात्रा का हुआ आगाज, कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा और पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत रहे मौजूद। डीग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, डीग सिंह पोल गेट पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, नगर विधायक जवाहर सिंह भिडम सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद।
जोधपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, सांसद विधायक और अधिकारी हुए शामिल। झालावाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिला प्रमुख प्रेम भाई डांगी सहित कई जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। लालसोट विधायक रामविलास मीणा शपथ के बाद पहली बार पहुंचे पंचायत समिति सभागार। उपखंड अधिकारी नरेंद्र मीणा ने माला पहनाकर किया स्वागत। अधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के दिए निर्देश। दौसा के सिकराय में विधायक विक्रम वंशीवाल ने किए देवी देवताओं के दर्शन। नवनिर्वाचित होने के बाद पहली बार पहुंचे देवों के दर्शन करने। मोरा माता पर तस्वीर भेंट कर किया स्वागत। चूरू के रतनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से 32 साल के युवक की हुई मौत। घरेलू सामान खरीदकर वापस लदासर जा रहा था युवक। अनूपगढ़ के रावला में पुलिस की पर्ची सट्टे के खिलाफ कार्रवाई। रावला का एक बड़ा सटोरिया चढ़ा पुलिस के हाथे। 2,900 रुपए सट्टे की रकम के साथ किया गिरफ्तार। केकड़ी के पारा गांव में घर की छत से गिरा अधेड़। गिरने से गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर किया रेफर। कोटपुतली के निमराना में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रैक्टर के साथ चालक हुआ फरार। खेरतल के तिजारा में कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही हुई बाइक सवार की मौत। दूसरा युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बारहपति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। गला दबाकर घटना को दिया अंजाम। पति ने दोस्त के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। जिले के तामखेड़ा का है मामला। ब्यावर में निजी अस्पताल में बच्ची की मौत। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लगाया क्रूरता का आरोप। अस्पताल में बच्ची की फोटो रख किया हंगामा। 4 साल की कनक की हुई मौत। झुंझुनू के चिड़ावा में नकली नोट मामले में पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी के पास 2 सीरीज के 22 नोट मिले। पुलिस ने आरोपी अमित को किया गिरफ्तार। कोटा में ट्रेन के कोच अटेंडेंट ने लूटे 69 लाख। ज्वेलरी शोरूम के स्टाफ ने रोककर सुनाई आप बीती। कोटा स्टेशन पर घटना के बाद मचा हड़कंप। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस कर रही चोर की तलाश। डूंगरपुर में फांसी का फंदा लगा युवक ने की आत्महत्या। 2 दिन पहले गुजरात से घर आया युवक। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रीमाधोपुर में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव का आगाज। भगवान राम की शादी शाही लवाजमे के साथ निकली बारात। जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने किया स्वागत। बारात में हजारों श्रद्धालु नाचते झूमते आए नजर। झुंझुनू में केतरी के शिमला बैंक में डकैती का मामला। आरोपियों को किया कोर्ट में पेश। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश। गैंग वॉर की आशंका को लेकर बरती सतर्कता। झुंझुनू के केतरी उपकोष कार्यालय में स्टैंप और टिकट की हुई मारामारी। उपलब्ध नहीं होने से आमजन को उठानी पड़ रही परेशानी। वकील व स्टाम्प वेंडर्स ने एसडीएम से की मुलाकात। डीडवाना में एसीजेएम कोर्ट का बड़ा फैसला। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के भाई कोर्ट ने सुनाई सजा। रुपेंद्र पाल सिंह और चाचा दामोदर सिंह को 2 साल की सजा। दोनों के खिलाफ लगाया 2100 रुपए का अर्थदंड। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट फेलियर मरीज को मिला नया जीवन। 37 वर्षीय रोगी सुशील कुमार के परिजनों द्वारा स्वैच्छिक तौर पर किया गया अंगदान। जोधपुर में रंग ला रही पीएम मोदी की मैरिज इन इंडिया मुहिम। देवसी बाबू की विदेशी दुल्हनिया की हिंदू रीति रिवाज से होगी शाही शादी। मेहंदी हल्दी रस्म के साथ होगा संगीत समारोह। 7 फेरे लेकर जोड़ा होगा एक। केकड़ी में मंदिर के पुजारी का शव मिलने का मामला। ब्राह्मण समाज ने विभिन्न मार्गों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रशासन ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। बांसवाड़ा में चूल्हे में गिरी महिला झुलसी। तान की बीमारी से ग्रसित महिला को चूल्हे में गिरी। खाना बनाते समय अचानक हुआ तान का असर। गंभीर हालत देख जिला अस्पताल रेफर किया।
खेरतल में भिवाड़ी पुलिस ने इनामी डकैत को किया गिरफ्तार। दो साल से फरार चल रहा था इनामी डकैत, पुलिस ने डकैती के मामले में किया गिरफ्तार। 2000 रुपए का इनामी डकैत जमील से पूछताछ जारी। प्रदेश में तापमान गिरावट के कारण बढ़ी सर्दी। अजमेर, जयपुर सहित कई शहरों में लुढ़ का तापमान। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री रहा। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान तृतीय चरण का 18 दिसंबर को होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। सांगानेर स्टेडियम से किया जाएगा आयोजन। बीजेपी सरकार बनते ही आवाना की सुरक्षा की समीक्षा। सीआईडी सीबी ने भरतपुर एसपी को भेजा पत्र। आवश्यकता होने या ना होने पर मांगा स्पष्टीकरण। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने पर मिली थी सुरक्षा। जोधपुर में क्रिकेट प्रेमियों के अरमानों पर फिरा पानी। बिजली अधिकारियों ने काटी स्टेडियम की बिजली। बकाया बिल के चलते स्टेडियम का काटा बिजली कनेक्शन। भीलवाड़ा के शाहपुरा में लोग बेटी बचाने को तैयार। नाबालिग ने अपने माता पिता पर लगाया आरोप। 20 लाख रुपए में बेचने का लगाया आरोप। एएसपी के सामने लगाई न्याय की गुहार। नागौर में मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम ने किया राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण। स्वच्छता में लापरवाही को लेकर जताई नाराजगी। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष पवन परताड़ी सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के सवाईपुर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब। नई सरकार से लगा रहे केंद्र को सुधारने की अपेक्षा। छत पर बेड लगाकर सोने को मजबूर हो रहे मरीज। डूंगरपुर में सामने आई ठेकेदार की लापरवाही। सीवरेज लाइन में गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी पाटने से दो स्कूल बस धंसी। गनीमत रही कि किसी बच्चे को नहीं लगी चोट। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली छात्राओं से भरी बुलेरो पिकअप। पिकअप सवार 3 दर्जन से बालिकाएं गंभीर रूप से घायल। आधा दर्जन छात्राओं की हालत बनी हुई है नाजुक। हनुमानगढ़ में बुलेरो और पिकअप में हुई टक्कर। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, वहीं एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर पलटी कार। कार पलटने के बाद कार में लगी आग। कुछ ही मिनट में जलकर राख हुई कार। 2 युवकों को निकाला गया कार से बाहर। उदयपुर में गोमुंदा हाईवे पर फिर हुआ हादसा। पर्यटकों से भरी कार पलटी। कार सवार 8 लोगों को आई चोटें। एनएचएआई ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा। अलवर में टायर फटने के बाद पेड़ से टकराई कार। जयपुर निवासी बुजुर्ग दंपति सहित 4 लोग हुए घायल। शादी संपन्न होने के बाद वापस जयपुर लौटते समय हुआ हादसा। पाली के बाली में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर घायल। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। अलवर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर बाइक सवार की मौत। कार चालक मौके से फरार। चालक की तलाश कर रही पुलिस। ब्यावर में गुजरात ट्रेवल्स बस अज्ञात वाहन से टकराई। बस में सवार 7 यात्री हुए घायल। घायलों का रायपुर अस्पताल में उपचार जारी। नीमका थाना में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी। ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को निकाला सुरक्षित। दोरा मीणा किधाणी के पास की घटना। सवाईमाधोपुर में बजरिया के छात्रावास में खाना बनाते समय भपकी गैस भट्टी। घटना से छात्राओं में मची अफरा तफरी। दमकल और स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। श्रीमाधोपुर में अज्ञात वाहन ने बोलेरो को मारी टक्कर। घटना में 1 व्यक्ति की मौत। 4 लोग घायल। चारों घायलों को गंभीर हालत में जयपुर किया रेफर। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। स्टोन फैक्ट्री में नौकरी करता था नीरज सिंह। घर से ड्यूटी के लिए निकला था युवक। टकनिया स्टेशन के पास हुआ हादसा। बस में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। म्यूजिक की आवाज बढ़ाकर ड्राइवर युवती के साथ करता रहा दुष्कर्म। पुलिस की गिरफ्त में 1 आरोपी। मामले की जांच जारी। झालावाड़ के डग में विषाक्त के सेवन करने से विवाहिता की बिगड़ी तबियत। गृह कलेश के चलते किया विषाक्त का सेवन। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांसूर के रामपुर में सनात बाबा मंदिर के पास दिखी बाघ की आवाज आई। कार सवार युवकों ने मोबाइल के कैमरे में कैद किया बाघ को। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियों में हो गया गायब।
उदयपुर वाटी पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, बीकानेर के मोमासर की लूट का इनामी बदमाश गिरफ्तार, लूट के बाद पीछा कर रही पुलिस पर की थी फायरिंग। फलौदी में नशीली दवाइयों की तस्करी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। नीमका थाना में डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, हथियारों के साथ इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस टीम पर की थी फायरिंग, आरोपी घटना के बाद से चल रहा था फरार। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध देसी कट्टे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद, मामले की जांच जारी। झुंझुनू के छिड़ावा में नकली नोटों के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार, डीएसटी प्रभारी शेर सिंह फोगाट के नेतृत्व में कार्रवाई, फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। भरतपुर के बैर में स्लग हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, पुलिस अधिकारी से मिला पीड़ित परिवार, अभी भाई परिजनों को जान से मारने की दी जा रही है धमकी। सिकराय में भारतीय किसान संघ का अनिश्चितकालीन धरना, ईआरसीपी योजना का कार्य चालू करने और छूटे हुए बांधों को जोड़ने के साथ ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की कीर जा रही है मांग। झुंझुनू के पिलानी में निर्माणाधीन हाईवे पर ग्रामीणों का धरना, पाथलिया गांव में अंडरपास ब्रिज बनवाने की मांग, अंडरपास नहीं होने से लगातार हो रहे हादसे। फलौदी में वितरणी सड़क पर कपास फैक्ट्री के पास किसानों ने किया विरोध, कपास तुलाई के दौरान लैब मशीन के नाम पर किसानों के साथ छलावा करने का लगाया आरोप, मामले की जांच की मांग। अजमेर में मंदिर में भक्त बनकर आए बदमाश ने चुराया चांदी का छत्र, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात, किशनगंज थाना क्षेत्र में आतेड़ स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर की घटना। अलवर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, घर में घुसकर कुलाड़ी और फरसे से हमला, विवाद में 4 लोगों के सिर फोड़े, महिला समेत 4 घायल जिला अस्पताल में भर्ती। कोटा में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं, मामूली कहा सुनी के बाद बदमाशों ने की हाथापाई, गंभीर हालत में युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी। पाली के बारी में ओवरटेक से गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़, कैंपर चालक ने 8-10 साथियों के साथ कार सवार लोगों से की मारपीट, हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। खाजूवाला में चोरों के हौसले बुलंद, गोदाम में रखे स्टॉक से ग्वार की भरी बोरियां, चोरी घटनाओं में लिप्त चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर। टोंक में सक्रिय हुआ चोर गिरोह, लगातार दे रहे वारदातों को अंजाम, एक रात में 2 दुकानों को बनाया निशाना, सामान और नकदी पर किया हाथ साफ। बालोतरा में टोंक में गिरने से महिला की मौत, राजकीय पशु चिकित्सालय में मामला, नगर परिषद नरेगा मजदूर बताई जा रही महिला। खाजूवाला में आईजीएनपी नहर में युवक के गिरने की आशंका, आईजीएनपी नहर के आरडी 682 के पास नहर किनारे मिले कपड़े, 18 वर्षीय युवक के नहर में गिरने की आशंका को लेकर तलाश जारी। टोंकियोनियारा में छाया पेयजल संकट, खारे पानी और पेयजल समस्या को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, कनिष्ठ अभियंता सीता देवी को ज्ञापन सौंपकर समस्या से कराया अवगत। चोमू के कालाडेरा रिको में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर, फैक्ट्री में आग लगने से कारणों का नहीं हुआ खुलासा, फैक्ट्री में रखा कच्चा माल जलकर हुआ खाक। कोटा में नदी से निकलकर खेतों में पहुंचे मगरमच्छ, खेतों में जमा रहे डेरा, मगरमच्छों का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। बीकानेर में ईएनटी विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, पहली बार विदेशी तकनीक से लाइव ऑपरेशन, कई देशों के सर्जन ने शुरू किए ऑपरेशन। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक दौड़कर जाएगा कुचामन का राम सिंह राठौर, डूंगरी वाले बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, कल शुरू की दौड़, 15 जनवरी तक पहुंचेगा अयोध्या। भरतपुर में लोहागढ़ स्टेडियम और शहीद स्मारक पर मनाया गया विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, कार्यक्रम में सेना के अधिकारी और प्रशासनिक पुलिस अधिकारी रहे मौजूद।
डीग में शहीद स्मारक पर मनाया गया विजय दिवस, पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं का किया सम्मान, शहीदों को पुष्प चक्र की अर्पित, प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। जोधपुर में उत्साह के साथ मनाया गया विजय दिवस, शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन, शहीदों को नमन कर अर्पित की श्रद्धांजलि। झुंझुनू में प्रशासन और सैनिक कल्याण विभाग ने मनाया विजय दिवस, शहीद स्मारक पर शहीदों को किया याद, पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन।